जो जजमेंट आना था, जो न्याय आना था, वो उसे घोषणा करना था। और चौथा अध्याय में हम देखते हैं योना जो है वो पसंद नहीं करता है प्रभु का आदेश निनवे के लोगों को बताने के लिए। और इन अध्यायों से हमें सीखने के लिए ये मिलता है, ये भी हमने देखा कि पहला अध्याय से एक से लेके तीन तक प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के साथ चलना उतना ही मायने रखता है। यानी प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु की वाणी को सुनना है। दूसरे अध्याय में एक से नौ तक हम देख पाते हैं कि संकट काल जो है हमें प्रभु के पास और भी गहराई रिश्ते में ले चलता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा देखते हैं कि प्रभु का आज्ञा माने और सारी परिस्थिति यानी सारा परिणाम या जो भी है उसका वो सब प्रभु के ऊपर छोड़ दे। चौथा अध्याय एक से लेके ग्यारह तक हम देखते हैं कि हमें जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, निराश है, वो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उससे निरुत्साह जो होना है वो अपना खुद का चयन होता है। और योना का जो किताब है ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये योना का खुद अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और योना जो है एक परमेश्वर के द्वारा चुना गया हुआ एक भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। और इस किताब के बारे में कई और लोगों ने कई अलग अलग तरीके से लिखा है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, इसे का ये योना जो है थकावट के मारे वो एक सपना देखता है वो है। और कुछ लोग तो है जैसे कि हम संडे स्कूल के दिनों से चले आते हैं कि ये योना का सारा किताब ले जाके मछली के इर्द गिर्द ही उसको रख देते हैं और मछली को केंद्रित कर देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ये योना का किताब या योना जो है इतना महान व्यक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में योना का उल्लेख करते हैं। यानी ये किताब के बारे में हमें कोई किसी भी किस्म का संदेह नहीं होना चाहिए। इसमें से चार दैविक सच्चाइयों को हम जान पाते हैं, वो ये है कि मृत योना जीवित मछली में, ऐसा नहीं है कि जीवित योना मृत मछली में है। योना जहाज के बाहर निकला और मछली के अंदर गया। तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर अपने संप्रभुता से सारे कायनात सारे सृष्टि के ऊपर अधीन रखते हैं, प्रभुता रखते हैं, तो उसके चलते वो क्या एक मछली को आदेश नहीं दे पाते? और अगर योना प्रभु परमेश्वर के योजना में नहीं उतरता तो प्रभु परमेश्वर के पास कई भी अलग अलग तरीके हैं उनका योजना को मनाने के लिए कई रास्ते प्रभु परमेश्वर के पास है। इस योना के किताब में हम छह किस्म के दैविक योजनाओं को देखते हैं, चार दैविक सत्यों को देखते हैं और छह दैविक योजनाओं को देखते हैं। 800 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है इस अध्याय के जरिए, इस किताब के जरिए। पुनरुत्थान जो है वो हमारे कार्यों से नहीं आता बल्कि पश्चाताप और विश्वास से आता है। तीसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उद्देश्य रहित नहीं होता, यानी परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का उद्देश्य बना हुआ रहता है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं हमारे विश्वास के कमी के कारण प्रभु हमें कभी नकारते नहीं। पांचवा बिंदु हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर जो है अपने दया और अनुग्रह के धनी है, गॉड इज एबंडेंट इन हिज ग्रेस एंड मर्सी। और छठा हम देखते हैं कि यहोवा याहवे या पिता परमेश्वर केवल और केवल यहूदियों का नहीं है, वो सारे सृष्टि का है, जिसका परिचय हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय 16वां वचन और रोमियो के पत्री तीसरा अध्याय
29वां वचन से पता चलता है। फाइनल में ये किताब का हमने परिचय देते हुए हमने ये देखा कि ये किताब 4 अध्यायों का है और 4 बार ओबद्या के किताब से बड़ा है। इसमें 10 संदेश हमें मिलते हैं। योना एकमात्र वो प्रवक्ता है, वो भविष्यद्वक्ता है जो अन्य जातियों के पास या गैर यहूदियों के पास भेजा गया था। और मुख्य अंश हम देखते हैं कि पुराने नियम में नया की घोषणा की गई है और नए नियम में उस घोषणा किया हुआ पुराने नियम को का खुलासा किया हुआ है। अब हम चलेंगे पहले अध्याय की तरफ। ये अध्याय में हम देखते हैं, अगर देखें तो इसके 3 अलग अलग भाग है। पहला वचन से लेके 7 वचन तक एक भाग बनता है, यानी एक संदेश बनता है। दूसरा भाग जो है section 2 इज फ्रॉम verse 8 to 14, यानी 8 से लेके 14 तक दूसरा संदेश बनता है। और तीसरा जो बनता है वो है 14वां वचन से लेके 17वां वचन तक। तो अभी हम इसको विस्तार रूप से हम देखेंगे। कोई भाई पहला अध्याय का 1 से लेके 7 तक पढ़े। यहोवा का यह वचन अमीरते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्हा लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। पढ़े गए इन वचनों को परमेश्वर आशीषित करे। धन्यवाद भाई आपके वचन पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसा पढ़ेंगे इतने अच्छे अच्छे दिलचस्प बातें हमें इन 7 वचनों में से मिलेंगे। हो सकता है हम में से कई बहनों ने इसके बारे में अध्ययन पहले किए हो और इन सब जानते हो, लेकिन दोबारा अगर हम इसके ऊपर अध्ययन करते हैं या इनके ऊपर अगर और रोशनी डालते हैं तो ये हमारी उन्नति के लिए ही होगा और प्रभु की महिमा के लिए होगा और सच्चाई जानने के लिए होगा। तो अगर हम इसे देखते हैं, यहाँ पे पहला वचन से ही प्रभु का भेद प्रकट होते हुए हम देखते हैं। पहला वचन में ही देयर इज अ स्पेसिफिक कॉल टू एन आइडेंटिफाइड पर्सन, नॉट ए जनरल कॉल। ये जो है एक विशिष्ट बुलावा है एक विशेष व्यक्ति के लिए। ये आम बुलावा नहीं है या ये सामाजिक बुलावा नहीं है, ये जनरल बुलावा नहीं है, सभी के लिए नहीं है। देखिए कैसा शुरू होता है, नाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू योना, यानी अब परमेश्वर का वचन योना को, देखिए योना का यहोवा का यह वचन अमित्ते का पुत्र योना के पास पहुंचा। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे एक व्यक्ति को पहचाना गया है,
एक विशेष व्यक्ति को पहचाना गया है, जोना। जोना जो भी कौन एक अमित्तै का पुत्र है, हो सकता है उस एरिया में कई जोना होंगे, कई योना होंगे, लेकिन सभी योना को नहीं बुलाया गया। अमित्तै का पुत्र योना करके संबोधित खास करके किया गया है। कई रंजित है ग्वालियर में, लेकिन एक ही व्यक्ति रंजित बाघ हो सकता है, एक ही व्यक्ति बिसेक्सेन हो सकता है, एक ही व्यक्ति शिविर बाघ हो सकता है, एक ही व्यक्ति जो है दीपू संतोष और हमारे गब्बर भाई, राजेश भाई, राजेंद्र भाई और जगवीर शास्त्री भाई, एक ही व्यक्ति कृपा जोसेफ, एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो एक व्यक्ति को परमेश्वर यहाँ पे नाम लेके बुला रहा है और वो एक व्यक्ति के पास ही वो संदेश जा रहा है प्रभु परमेश्वर का। सो परमेश्वर जब भी बुलाता है वो विशिष्ट रूप से विशेष व्यक्ति को बुलाता है, और जब वो ऐसा बुलाते हैं तो उनका एक उद्देश्य जो होता है वो भी विशेष होता है। ये उद्देश्य बुलाने का जो विशेष होता है, देखिए किस उद्देश्य से बुलाया गया है वहां पे कि गो टू निनेवे, यानी निनेवे को जाओ। निनेवे के बारे में वो आगे देखते हैं हम परमेश्वर का उद्देश्य यहाँ पे। लेकिन अब हम पहला वचन के हिसाब से अगर देखा जाए, नाम लेके योना का, योना यानी योना अमित्तै का पुत्र, परमेश्वर का यहोवा का वचन अमित्तै का पुत्र के पास आया। ये उनका एक मंशा यानी एक विशिष्ट मंशा लेकर आया। लेकिन जब ये मंशा या नहीं तो ये उद्देश्य, इसको प्रोक्लेम करना है यानी प्रचार करना है, तो वो जो होता है वो जनरल होता है, वो यूनिवर्सल होता है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरे निनवे वासियों के लिए था, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य किसके जरिए जाना था वो एक ही व्यक्ति था, किसके जरिए सुनाना था वो एक ही व्यक्ति था। और परमेश्वर का उद्देश्य जो है साफ तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम सभी पढ़ते हैं, सभी का जाना पहचाना हुआ वचन है। वो क्या कहता है वहां पे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी जगत से प्रेम किया, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं प्रेम किया, यानी उनका उद्देश्य जो है पूरे जगत के लिए है, पूरे संसार के लिए है। इसी रीति से मत्ती रचित सुसमाचार 20:16 में अगर देखा जाए तो कईयों को बुलाया गया है, यानी वहां पे बहुवचन है, बहुतों को बुलाया गया है, लेकिन उसमें से केवल थोड़ों का चयन किया गया है। तो वो जो चयन किया हुआ है वो मुख्य है। पहला यूहन्ना 3:1 में क्या लिखते हैं कि जो चयन किए हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो लोग पिता परमेश्वर के बेटा बेटी यानी पुत्र या संतान होने का आनंद उठाएंगे। सो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे योना जो है एक साधारण सा व्यक्ति नहीं है, उसे चुना गया है, वो चुने हुए लोगों के लिस्ट में, प्रभु के चुने हुए लोगों के लिस्ट में है, लिस्ट में था, इसीलिए वहां पे व्यक्ति विशेष रूप से उन्हें बुलाया जाता है। तो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, योना का स्तर जो था वो विशेष स्तर था। योना का जो स्तर था वो चुने हुए लोगों की सूची में रहने वाला स्तर था। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका स्तर, मेरा स्तर क्या है? क्या हम चुने हुए लोगों के सूची में है, जैसा योना को बुलाया गया था? अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि उसे बुलाकर दूसरे वचन में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आदेश दिया जाता है। पहले तो व्यक्ति विशेष को बुलाया गया, उसके बाद वो व्यक्ति विशेष को एक आदेश दिया जाता है, प्रभु का आदेश है। वो क्या है, इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा है, अराइज गो टू निनवे द ग्रेट सिटी एंड क्राई अगेंस्ट इट। हिंदी में क्या लिखते हैं, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा
देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा वचन का शुरुआत कैसा है, उठकर, इंग्लिश में अराइज, यानी पहला ही वचन, पहला ही शब्द योना का स्वभाव को बताता है। हो सकता है योना स्वभाव से आलसी व्यक्ति हो, इसीलिए जहां बैठा है वहीं बैठ गया हो, जहां आराम है वहीं बैठ गया हो। है तो प्रभु का भविष्य भविष्यद्वक्ता, प्रभु का, प्रभु परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला प्रवक्ता है वो, लेकिन वो अपने आप में मजे में आराम में रहता होगा। इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है उठ, उठकर कहता है उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अब यहाँ पे प्रभु को दोबारा देखिए, यहोवा को देखिए। हियर गॉड इज, हियर अगेन गॉड इज पर्टिकुलर अबाउट हिज डेस्टिनेशन। अब जहां पे जाना है प्रभु, उसका भी बहुत ही गहराई से और बहुत ही खुलासे से बताते हैं उसे कहां जाना है। और साथ ही साथ में जहां जाना है उस जगह का हालात भी प्रभु बखूबी जानते हैं। क्या कहते हैं देखिए दूसरा वचन, उठकर उस बड़े नगर नीव को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में पढ़े तो देखिए क्या लिखता है कि Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me. ये क्या बताता है, अंग्रेजी में बड़े अच्छे से लिखा है, their wickedness has come up before me. मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में, साथ ही साथ में उन्होंने अपने दूतों को नियुक्त कर रखा है हमारे बारे में क्या करने के लिए, डेली रिपोर्ट हमारे बारे में लेते हैं, शैतान से भी वो लेते हैं। बाइबल में हम देखते हैं अय्यूब के बारे में वो रिपोर्ट लेते थे अय्यूब से। तो यहाँ पे शैतान जो है सारा जगत में घूमते 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 अय्यूब के बारे में रिपोर्ट लेके जाके प्रभु परमेश्वर को बताता है। इसी रीति से यहाँ भी प्रभु कहते हैं कि उनकी बुराई मेरे दृष्टि में प्रकट हुई, बढ़ गई है, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कि देयर विकेडनेस हैज कम अप बिफोर मी। तो कौन ले जा रहा है उनके पास, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत हमारा जो हर हालात है, हमारा जो परिस्थिति है, हमारे जो इर्द गिर्द जो हो रहा है, प्रभु परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी होने के बावजूद, वो सभी जानने के बावजूद भी उनके जो दूत है संदेश इधर से उधर करते रहते हैं। सो इसीलिए हमें क्या होना है, हमें बड़े चौकन्ना होना है, हमें बड़े चौकस रहना है। वी शुड बी केयरफुल, एवरी सिंगल डिटेल इज नोन टू गॉड, इट इज बीइंग कैरीड टू गॉड, इट इज बीइंग रिपोर्टेड टू गॉड, यानी हमारा हर एक बारीकी जो है प्रभु परमेश्वर जानता है, और हमारा हर बारीक जो बारीक से बारीक जो विषय है उसको प्रभु तक पहुंच रहा है, यानी स्वर्गदूत पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा वचन को, तीसरा वचन को अगर हम उसको शीर्षक देते हैं तो वो ये होगा, ट्विस्टिंग गॉड्स कॉल एंड मिशन इन आवर ओन इंटरेस्ट, यानी प्रभु का जो मंशा है, प्रभु का जो उद्देश्य है और उनका बुलावा हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे आरामदेह के अनुसार हम मोड़ सकते हैं, मोड़ लेते हैं कई लोग। योना उठ खड़ा हो गया, निकल पड़ा। देखिए दूसरा वचन में क्या लिख रहा है, यहाँ पे योना कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ हरकतों से कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। योना उठ के खड़ा हो गया और इंग्लिश में लिखा है योना एरोस टू फ्ली टू तार्शीश फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे योना जो है तार्शीश को, निनवे को छोड़कर तार्शीश की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। देखिए हिंदी में क्या लिखता है, परंतु योना ने सन्मुख से
योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, वहां पे बोला अराइज ही लिसन टू द गॉड, जहां प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर ने कहा उठ तो उन्होंने सुना, पालन किया, उठा। लेकिन उठ के क्या डिसाइड किया, उठ के क्या उन्होंने फैसला किया कि मैं प्रभु के ओरिजिनल कॉल यानी बुनियादी बुलावे से मैं दूर भाग जाऊं, और खुद ही चयन कर लिया अपना गम्य स्थान। प्रभु ने क्या कौन सा स्थान बताया था, निनवे बताया था, लेकिन योना ने क्या स्थान चयन किया, तर्शीश। क्यों तर्शीश ही क्यों, क्योंकि तर्शीश एक सामान्य शहर नहीं है। तर्शीश जो है वो बहुत बड़ा संपन्न एक तटीय शहर है, जैसे कि मुंबई है, जैसे कि टोक्यो है, जैसे कि न्यूयॉर्क है, ऐसा एक संपन्न शहर है। ये शहर जो है फिनिकियों के द्वारा बनाया गया, और ये फिनिकिया कोई और नहीं है, आज के आधुनिक के सीरिया और इराक के लोग हैं, और ये स्पेन के दक्षिणी भाग में है। ये शहर उन दिनों में बहुत ही भाग्यशाली शहर था, बहुत ही सर्वसंपन्न शहर उसको कहा जा सकता है। योना समझा, योना शायद ये समझा होगा, दुनियावी तौर पे वो समझा होगा, या नहीं तो अपने शारीरिक अभिलाषाओं को आगे रखते हुए सोचा होगा, प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए तो बुलाया है, चलो निनवे नहीं तो तर्शीश ही सही, चलो तर्शीश भी कोई कम नहीं है, तर्शीश में भी होंगे क्योंकि संपन्न शहर है वो, हर तरीके का बुराइयां सब होते होंगे, मैं वहां पे क्यों ना जाके सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा करके योना ने अपना डेस्टिनेशन बदल दिया, लेकिन वो भूल गया कि उसके पूर्व राजा दाऊद ने क्या लिखा। तो भाई मेरे कोई भजन संहिता 139 सातवां वचन पढ़े, भजन संहिता 139 सातवां वचन, साम्स 139:7। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से मैं कहां भागूं। पढ़िए भाई, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तू वहां है। हाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। देखिए ये कहां से, ये योना जो भविष्यद्वक्ता है, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, ये भूल गया राजा दाऊद ने क्या लिखा था कि मैं तेरे समक्ष से, तेरे आत्मा के समक्ष से, तेरे दृष्टि के समक्ष से मैं कहां जा सकता हूं। यदि मैं आकाश में जाऊं वहां भी तू है, यदि मैं अधोलोक में चला जाऊं तो वहां भी तू है। तो ये योना भूल गया इस बात को और सोचने लगा कि कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे वहां निनवे जाने को कहा है, ठीक है मैं तर्शीश को चला जाऊंगा, कौन देखता है। और उसने ये भी इस वचन को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जहां पे यिर्मयाह का किताब 23:23-24 भी पढ़े भाई, वैसे ही यिर्मयाह 23:23-24। यहोवा की यह वाणी है क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। देखिए परमेश्वर खुद कहता है कि मेरी वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि जो दूर रहता हूँ मैं निकट रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में, कि क्या मैं ना देख सकूं। ये बहुत ही मायने रखने वाले वचन है जो योना भूल चुका है, भूल गया है। तो इसके चलते वो अपना एक नया गम्य स्थान ढूंढता है, एक नया लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है, एक नया शहर की ओर दौड़ने लगता है। एक कारण वो हो गया, दूसरा कारण उसका डाइवर्शन यानी उसका जो यात्रा है उसको, उसका यात्रा का मोड़ बदलने का कारण ये हो सकता है, प्रभु परमेश्वर ने निनवेयों को, निनवे लोगों को चुना है
तो उनके प्रति योना के दिल में कोई नफरत सी होगी, शायद हो भी सकता है, होना भी चाहिए, क्योंकि निनवे के लोग जो है ये असीरी लोग हैं, ये लोग बहुत ही क्रूर लोग हुआ करते थे और वो लोग इजरायली लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे, यातना देते थे, तकलीफ देते थे। दूसरे राजा 15वां अध्याय 17वां अध्याय 18वां अध्याय आप लोग बाद में पढ़ लेना, ये उनकी क्रूरता के बारे में बताता है। हो सकता है योना ये सब इनकी क्रूरता का अनुभव किया हो, अपने बचपन में उसने देखा हो अपने सामने कि ये कितने क्रूर है। तो ये नकारात्मक जो अप्रोच है, ये जो नकारात्मक स्वभाव योना ने जो इन निनवे लोगों के प्रति अपने दिल में अपने दिमाग में जो बना लिया था, वही योना को वहां जाने से रोक दिया होगा। और योना को अभी एक अच्छा सुनहरा अवसर मिल गया है। प्रभु क्या कहता है दूसरे वचन में कि जाओ निनवे के लोगों को बताओ कि उनकी बुराई मेरे सामने आई हुई है और मैं उनके ऊपर न्याय करने वाला हूं। तो न्याय करने वाला मतलब प्रभु का न्याय जो है सर्वसाधारण नहीं होता। वो जानता था कि वो लोगों को नष्ट करेगा और ये योना के लिए अभी एक सुनहरा अवसर है, चलो इनसे बदला लेने का। इनको जाके हम सुसमाचार ही नहीं सुनाएंगे, छोड़ो, इनको प्रभु परमेश्वर सजा देता है, देने दो, इनके ऊपर न्याय करता है, न्याय करने दो, अच्छा है इनको ऐसा करने से, क्योंकि ये लोगों ने बचपन में मैंने देखा कि मेरे लोगों के साथ ये लोग ने कैसा कैसा बर्ताव किया है। तो अब मेरे पास एक सुनहरा अवसर मिला है कि मैं इनको प्रभु के हवाले छोड़ दूं, लेकिन प्रभु का इच्छा वो नहीं था, प्रभु का मंशा वो नहीं था। प्रभु का मंशा ये था, उनका दैविक उद्देश्य ये था कि ये योना जाके उनको चेताए, उनको चेतावनी दे, उनको कॉशन करे, उनको वार्न करे। इसीलिए योना का ये भी एक कारण हो सकता है कि वो उनसे नफरत के चलते, उनके निनवे लोगों के द्वेष के चलते वो अपना लक्ष्य बदल दिया हो। सो कई बार हमें भी ऐसा ही होता है, प्रभु हमें कहीं और जाने के लिए कहते हैं, हम हमारा लक्ष्य बदल देते हैं, हम जाना नहीं चाहते, हम हमेशा संपन्न जगह में जाना चाहते हैं। हम योना को देखते हैं, योना ठीक 180 डिग्री उलट, जो प्रभु का कहने वाला लक्ष्य था, जो शहर था, उससे ठीक 180 डिग्री उलट वो यात्रा करने लग गया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप कहां जा रहे हैं? प्रभु के बुलावे के मुताबिक जा रहे हैं या नहीं? तो और आगे देखिए क्या कहता है, योना उठ तो खड़ा हो गया, लेकिन क्या करने के लिए खड़ा हुआ? दूसरा वचन देखे, शुरू में पढ़ते हैं हम, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तार्शीश को क्या करने के लिए, भाई कोई बता सकता है क्या करने के लिए उठ खड़ा हो गया वो? कोई आवाज नहीं आ रहा किसी का? हेलो जी सर, आ रहा है आवाज आपका? जी सर आ रहा है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या करने के लिए उठ खड़ा हो गया? भागने के लिए। वेरी गुड, इंग्लिश में लिखा है बट योना अरोज टू फ्ली। फ्ली यानी भाग जाना, यानी योना ने चयन कर लिया कि मैं प्रभु के समक्ष से भाग जाऊंगा। कहां भाग जाऊंगा? कहीं पे भी नहीं भाग सकता, ये वो भूल गया, कहीं पे भी नहीं वो भाग सकता है। सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो जानता है कहां भागना चाहता है, कहां जाएगा उससे। ये भाइयों, आप और मैं कहां भाग सकते हैं परमेश्वर के समक्ष से? वही नहीं, वो आगे जाके क्या किया देखिए, जाके उसने टिकट भी खरीदा। जोना एरोस टू फ्ली टू तार्शीश फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड ही वेंट डाउन टू जोपा। जोपा जो समुद्र तटी का उसका यानी मीना जिसको कहा जा सकता है, वहां गया और तर्शीश जाने वाली एक जहाज को देख के
वहां पे उसने टिकट खरीदा। देखिए प्रभु उसे एक जगह बता रहा है, तो प्रभु अपना मार्ग खुद देगा, उसकी यात्रा कैसा जाना है प्रभु खुद बताएगा। लेकिन योना यहाँ पे निर्णय कर लेता है कि प्रभु के समक्ष से भाग जाए, दूसरा के वो एक टिकट खरीद लेता है। और टिकट भी कैसा खरीदता है देखिए, कहाँ के लिए टिकट खरीदता है, वो बेस्ट टिकट तर्शीश के लिए खरीदा तो है ठीक है जाने के लिए, लेकिन टिकट का रिजर्वेशन देखिए एकदम से बढ़िया टिकट खरीदता है, बढ़िया सीट रिजर्व करता है। कहां पे रिजर्व करता है, जहाज के गहराइयों में, एकदम निचले स्थान में। देखिए उन दिनों के जहाज आज के आधुनिक जहाजों से उलट होते हैं। आज के आधुनिक जहाजों में सबसे बेस्ट सीट या बेस्ट कैबिन जो होता है वो ऊपरी वाला, यानी ऊपरी स्तर पे जो कैबिन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहां से सब कुछ देख सकते हैं, कोई शोर नहीं होता, कोई इंजन का शोर नहीं होता, क्योंकि आधुनिक जहाजों में इंजन जो होता है बहुत शोर करने वाला इंजन होता है, और सभी इंजनों में से बहुत बड़ा इंजन जहाज का ही होता है। तो वो इंजन जो है जहाज के निचले स्तर में रहता है, निचले स्तर का टिकट बहुत सस्ता होता है, उधर कोई नहीं रहने जाता। लेकिन उन दिनों में क्योंकि वो हवा से चलने वाले जहाज होते थे, ऊपरी कक्ष जो है बहुत ही शोर शराबे वाला, समुद्री लहरों का, समुद्री हवा का बहुत शोर शराबे वाला जगह होता है, लेकिन अंदर जो एकदम निचले स्थान जो जहाज का होता है वो बहुत शांत होता है, आरामदेह होता है। तो ये भाई ने टिकट भी खरीदा, कहाँ के लिए खरीदा, एकदम आरामदायक जगह पे। सो इसको अगर हम पहले वचन से दूसरे वचन के शुरुआत के साथ जोड़ के देखें तो अभी पता चलता है कि योना जो है बहुत ही आरामदेह व्यक्ति है, आराम पसंदीदा व्यक्ति है। सो प्रिय भाइयों, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु परमेश्वर जहां बुलाते हैं, जहां जाने को कहते हैं वहां जाना चाहिए हमें। हमारा भारतवर्ष पूरा कितने ऐसे गांव है, कितने ऐसे कस्बे हैं जो अभी तक प्रभु का वचन सुना ही नहीं, वहां पे गए ही नहीं। हो सकता है आज संध्याकाल के समय में प्रभु मेरे से और आपसे बात कर रहे हों कि ऐसे शहरों को ढूंढे, ऐसे शहरों को तरफ जाए, या हो सकता है प्रभु परमेश्वर ने आपको कहा होगा कि जाने के लिए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? क्या अमेरिका की ओर दौड़ना चाहते हैं, यूरोप की ओर दौड़ना चाहते हैं, यूके की ओर दौड़ना चाहते हैं, संपन्न शहरों की, संपन्न दुनिया की ओर दौड़ना चाहते हैं? योना ने टिकट लाया, टिकट खरीदा, बेस्ट सीट। योना ब्रॉट द बेस्ट टिकट फॉर द बेस्ट सीट इन द बेस्ट शिप, क्योंकि तर्शीश जाने वाले जहाज जो है आम जहाज नहीं होते, क्योंकि बहुत ही अमीर शहर है वो वहां पे। सो जब प्रभु परमेश्वर का उद्देश्य प्रकट होता है, सो हमें उसके रुकावट के पत्थर नहीं बनना चाहिए। तीसरा जो है, योना प्रभु के उद्देश्य में रुकावट का पत्थर बनने का कोशिश किया। मुझे ग्वालियर असेंबली के जो मंशा है, जो प्रोग्राम है, उसे बहुत खुशी होती है, बहुत ही आनंद होता है जब भाई रंजीत बोलते हैं कि हम फलाने गांव जा रहे हैं, फलाने वहां जा रहे हैं, बहुत ही आनंदित होता हूं मैं खास करके आनंदित होता हूँ नौजवानों के लिए, जहां जहां पे भाई ले जाके उनको बिठा रहे हैं, बसा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में भाई दीपू और संतोष को वहां पे नियुक्त करके आया है। मैं कहता हूँ ये प्रभु का उद्देश्य है, और ये दोनों भाइयों को प्रभु बहुतायत से आशीषित करेगा, बहुतायत से इनको ऊपर लाएगा, और इनके जरिए बहुत बढ़िया सेवा होगा। तो ये जो इतना अच्छा सौभाग्य जो है, ये केवल और केवल वही व्यक्ति जान सकता है, वही व्यक्ति सुन सकता है जिसको विशिष्ट रूप से नाम से बुलाया गया हो। योना जो अमित्तै का पुत्र, ऐसा करके विशिष्ट रूप से बुलाया गया हो, उस विशिष्ट बुलावे में अगर भाई बहन आप है तो आपसे धन्य इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्रभु परमेश्वर का पुराने नियम के समय में देखे जाए तो हम देखते हैं कि
परमेश्वर का जो योजनाओं को बनाने का यानी उनको एग्जीक्यूट करने का प्रभु का अजीब यानी यूनिक प्लान से उनके अपने तरीके से वो करते हैं। पुराने नियम के काल में अगर हम देखते हैं कि सारे दुनिया से लोग इज़राइल के तरफ आते थे, इज़राइल देश में आते थे। राजा सुलेमान के समय में भी अगर हम देखें बाहर बाहर से लोग राजा सुलेमान का ज्ञान देखने के लिए इज़राइल के तरफ आते थे, इज़राइल देश में आते थे। लेकिन हम जो नए नियम के विश्वासी है, हमें एक 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 एक, एक काम दिया गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 16:5 पढ़े भाई। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका सहारा लेके हम सारी दुनिया में जाने को देखते हैं और अपने घर को भूल जाते हैं। अब भाई प्रेरितों के कार्य 1:8 पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आराम से जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे तीन स्थान बताया गया है। जब प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम के सामर्थ तुम पर आएगा, तुम पाओगे, जब तुम सबसे पहले कहां पे पढ़िए ब्रदर, सबसे पहले यरूशलेम इनका गढ़ है। एक मिनट, यरूशलेम कहां है? ये इनका गढ़ है, इनका घर है, ये चेलों का घर है और ये प्रेरितों का घर है यरूशलेम। पहले अपने घर में, अपने देश, अपने राष्ट्र में, उसके बाद जुडिया किधर है? जुडिया जो है पड़ोस का गांव, पड़ोस का राष्ट्र। उसके बाद कहां है? सामरिया क्या है? सामरिया इन लोग द्वेष करते थे, इसराइली लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसा जगह पे सबसे पहले मध्य प्रदेश, सबसे पहले महाराष्ट्र, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, सबसे पहले बिहार, यूपी, पंजाब, उसके बाद पड़ोसी राष्ट्र, उसके बाद जो जहां पे तुम्हें नकारते हैं लोग, समरिया, वहां पे जाओगे, उसके बाद क्या कहते हैं, पृथ्वी के छोर तक, अंत तक। वो सब छोड़ते हुए हम क्या कहते हैं, हम उल्टा आते हैं, प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे दुनिया में जाना है। अरे भैया, उनके पास ऑलरेडी है वचन, वहां जाओ जहां वचन नहीं है। इसीलिए मैं, मुझे ग्वालियर असेंबली से बहुत ही प्रेम होता है और भाई जब कहते हैं कि हम फलाने गांव, आज इतने गांव में शुभ संदेश बांटा है, बहुत खुश होता हूं मैं। यानी वो उस ऐसे जगह चुनते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, कि जहां पे वचन सुनाया ना गया हो। सो जगह और समय ये प्रभु परमेश्वर ही नियुक्त करता है। योना के जीवनी में भी जगह और समय प्रभु परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है। दूसरा, ये यही योना को अचंभित किया होगा, ये भागने का एक और कारण है, प्रभु के समक्ष से भागने का एक और कारण है। वो ये है कि निनवे के लोग अविश्वासी लोग हैं, निनवे के लोग क्रूर लोग हैं, निनवे के लोग गैर यहूदी लोग हैं, तो इनको सुसमाचार बताने, इनको चेताने के लिए मुझे ही क्यों चुना? मेरे से पहले बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे, एलिशा था, एलिया था, योशुआ था, इनको क्यों नहीं भेजा, मुझे ही क्यों भेज रहा है? लेकिन योना कितना सौभाग्यशाली है, वो विषय को भूल चुका है, वो विषय को योना भूल गया है। वो इतना सौभाग्यशाली बन जाएगा कि दूसरा कोई भविष्यद्वक्ता उतना सौभाग्यशाली नहीं था। इतना सौभाग्यशाली योना था, योना का जीवन है
और योना है कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को योना से जोड़ के देखते हैं, है ना। सो अब आगे चलते हैं। ये भाई साहब ने योना जो है ये टिकट खरीद लिया, परमेश्वर के आगे से भागने का कोशिश किया, अभी निकल पड़ा। अब आगे चलते हैं, क्या हुआ चौथा वचन में। अभी एक चीज आप लोग गौर करते जाइए, योना अभी तक प्रभु के बुलावे को कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी तक केवल प्रभु का ही आवाज हमने सुना है, उसके बाद योना के हरकतें देख रहे हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं शिपरेक, टूटना, चौथा वचन में। चौथा वचन में क्या लिखा है देखिए, मैं पढ़ता हूं। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। बट द लॉर्ड सेंड आउट ए ग्रेट विंड ऑन द सी एंड देयर वाज ए माइटी टेम्पेस्ट ऑन द सी सो दैट द शिप वाज अबाउट टू बी ब्रोकन अप, यानी जहाज टूटने वाला था। ये पांचवा वचन, छठा वचन, सातवा वचन, ये बहुत बड़ा हमारे पास एक बड़े संदेश हमें सुनाते हैं। पांचवा वचन बताता है कि प्रभु परमेश्वर सभी के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। ये तूफान अचानक से उठ के नहीं आ गया, ये तूफान ऐसे ही नहीं आ गया, ये भी प्रभु परमेश्वर के अधीन के योजना के अनुसार आया है। क्योंकि चौथा वचन में देखते हैं हम, द लॉर्ड सेंड आउट ए ग्रेट विंड, प्रभु ने ही भेजा है, प्रभु ने ही भेजा है उसको, चौथा वचन में। पांचवा वचन हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। अगर इसको आप गहराई से पढ़ेंगे तो देखिए कितना बड़ा संदेश हमें मिलता है। पांचवा वचन पढ़े भाई। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। बस भाई बस, देखिए अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये जहाज में, ये समुद्र में ये लठे क्यों उठ रही है, ये आवाज क्यों आ रहा है, ये शोर क्यों आ रहा है, ये हवा तेज आंधियां क्यों चल रही है, ये पर्दे क्यों फट रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन हमको और आपको समझ में आता है क्योंकि चौथा वचन में लिखा गया है कि प्रभु परमेश्वर ने खुद ही भेजा है। लेकिन वहां पे जो लोग थे उनको कुछ किसी को समझ में नहीं आया, तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं देखिए, देन द मैरिनर्स वेर अफ्रेड। तो वहां पे देखिए पांचवा वचन में हम पढ़ते हैं कि तब मल्लाह लोग डर गए, डर कर क्या करने लगे, क्या करने लगे भाई गबर भाई, अपने अपने देवताओं की दुआई देने लगे, अपनी अपनी देवताओं की दुआई देने लगे। यानी वो जो जहाज है वो केवल मसीह लोगों से नहीं भरा हुआ था, वो जो जहाज है अलग अलग लोगों से भरा हुआ था, अलग अलग यात्री थे, अलग अलग मत के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपने अपने देवताओं को बुलाने लगे, है ना, वही लिखा है ना यहाँ पे, मल्लाह लोग अपने अपने देवताओं को दोहाई देने लगे। अरे दोहाई देने का मतलब है बुलाना, उनको याद करना, हा? और साथ ही साथ क्या करने लगे, दे थ्रू द कार्गो दैट वाज इन द शिप इनटू द सी टू लाइटन द लोड। ये तो यहाँ पे एक मकसद के लिए वो लोग अपना जितना भी वजन है, ज्यादा वजन जो हो गया, अधिक वजन जो था निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे थे। हम सब भारतीय लोग हैं, हम सब ट्रेन में प्रवास किए होंगे, रेल में हम सभी ने प्रवास किया है। कभी देखा है कि हमारा रेल जब जिसमें हम प्रवास करते हैं वो किसी नदी के ऊपर से जाता हो तो लोग क्या करते हैं, कोई बता सकता है लोग क्या करते हैं, सभी ने तो ट्रेन में पैसा फेंक देते हैं जी, पैसा फेंकते हैं और
फूल वैसा फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, नारियल फेंकते हैं, खाना वाना फेंकते हैं, है ना, ये विश्वास से कि उनकी देवी देवता जो है वो नदी में से लेके खाएगा या वो नदी इनको सुरक्षित उस पार ले जाएगा। इसी मंशा से देखिए, इसी पृष्ठभूमि को लेते हुए ये लोग आज के आधुनिक लोग जो है अलग अलग मत वाले ये करते हैं। उन दिनों में उन्होंने क्या किया, जो जहाज में अतिरिक्त वजन जो था वो सब निकाल निकाल के जहाज को हल्का करने लगे। लेकिन इसी वचन में देखिए, इंग्लिश में बट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे देखिए हिंदी में परंतु, परंतु हमारा भाई क्या कर रहा है, योना, हाँ योना क्या कर रहा है, योना आरामदेह कक्ष में है, कहां पे, जहाज के निचले भाग में आरामदेह कक्ष में। यहां पे लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य देव देवता के लोग वो डर के मारे अपने प्रभु को, अपने देवियों को, अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, बुला रहे हैं कि भैया हमें इस संकट से बचाओ, जहाज टूटने वाली है, हम सब बहने वाले हैं, हम सब डूबने वाले हैं। लेकिन जीविता परमेश्वर का, जीविता वचन लेके सुनने वाला परमेश्वर का एक दास, चुना हुआ एक दास, बुलाया गया, नाम लेके बुलाया गया एक दास, एक भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा है, क्योंकि उसने महंगा टिकट ले रखा है, महंगी स्थान पे बड़े आराम से सो रहा है ना, सो रहा है। क्या लिख रहा है कि had gone down into the lower parts of the ship and lain down and was fast asleep। देखिए वाह, ये साहब को नींद कितने आराम से आ रही है, मतलब बाहर जो हो रहा है इनको कोई सुधी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था पहले, जब निचले कक्ष में जाओ तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, शोरगुल कुछ नहीं सुनाई देता, आराम से योना सो रहा है वहां पे। तो यही होता है कई बार हमारे जीवन में भी, हम भी जीवते परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, जीवते परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं, चेले कहलाते हैं, लेकिन संकटमय समय में जब हमें प्रार्थना करना चाहिए, जब हमें कबूल करना चाहिए, क्या आप जानते हो कि योना को नहीं पता होगा अगर ये तूफान क्यों आया है? योना को बखूबी पता है, क्योंकि उसके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा, अंतरात्मा उसे टटोलता रहेगा, हमेशा टटोलता रहेगा कि देख परमेश्वर ने तुझे निनवे जाने को कहा है, तू तर्शीश की ओर चल रहा है, हो सकता है ये तेरे कारण ही आ रहा होगा, तो ये एक डर उसमें बोलता होगा। लेकिन ये भाई साहब वो आवाज को भी बोलने के लिए समय नहीं दे रहा है, आराम से सो रहा है, फास्ट अस्लीप, आराम से सोना, गहरी नींद में सो रहा है, जबकि अन्य जाति के लोग जो निर्जीव देवी देवताओं को मानने वाले हैं, पत्थर की पूजा करने वाले हैं, झाड़ों को, प्रकृति को पूजा करने वाले हैं, वो अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन जीविता परमेश्वर का योना, जीविता परमेश्वर का चुना हुआ भविष्यद्वक्ता, जीविता परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया भविष्यद्वक्ता, जीविता परमेश्वर के द्वारा उद्देश्य दिया गया भविष्यद्वक्ता आराम से सो रहा है। अब आगे देखिए छठा वचन, एक बहुत बड़ा टाइटल है, टाइटल मींस ए ग्रेट नेम, पांचवा वचन में सो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, आपकी क्या दशा है, मेरी क्या दशा है, हम भी सो रहे हैं? तो छठा वचन में देखिए क्या, कितना बड़ा टाइटल मिला है, टाइटल मतलब शीर्षक मिला है, वो शीर्षक क्या है, छठा वचन पढ़े भाई, तब माजी उसके निकट आकर, तब माजी उसके निकट आकर, हाँ उसके निकट आकर कहने लगा, तुम भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखिए इतना हिंदी में इतना प्रभावशाली नहीं है, अंग्रेजी में अगर इसको मैं पढ़ता हूँ देखिए कितना प्रभावशाली है। सो द कैप्टन केम टू हिम एंड सेड टू हिम, व्हाट डू यू मीन ओ स्लीपर। देखिए कितना अच्छा टाइटल मिला है उसको। व्यक्ति को हमेशा अपने काम से पहचाना जाता है,
अन्य जाति के लोग, बाहर के लोग आपको, मुझको, हमारे काम से पहचानते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं तो मैं, मुझे मेरे काम से पहचाने जाएंगे। आप परमेश्वर के दास है तो आपकी सेवकाई से लोग पहचाने जाएंगे। मैं प्रभु की सेवा करूं तो मुझे प्रभु की सेवा सेवक के रूप में पहचाने जाएंगे। तो यहाँ पे अन्य जाति लोगों में से आया हुआ वो माझी द कैप्टन इस व्यक्ति को कैसा पहचान रहा है, हे सोने वाला कीपर, क्योंकि उस समय में योना वही काम कर रहा था। उस समय में योना सोने का ही काम कर रहा था, गहरी नींद में था, इसीलिए उसको जगा रहा है, बोलते हैं ओ स्लीपर गेट अप अराइज, उठो। और साथ ही साथ में वो ये भी एक उसको ज्ञान दे रहा है, परमेश्वर का दास को एक अन्य अविश्वासी ज्ञान दे रहा है, देखिए उठ और अपने परमेश्वर को क्या कर, अपने देव, उठ अपने देवता की दुहाई दे, दुहाई दे, उठ, तेरा कोई भी देवी देवता होगा पता नहीं मुझे, लेकिन उसको बुला। तो यहां पे देखता है, लिखता है इंग्लिश में कि अराइज कॉल योर गॉड परहैप्स योर गॉड विल कंसीडर अस, यानी हो सकता है कि हमने सबने हमारा कोशिश तो कर लिया, हमने सबने लगेज बाहर फेंक दिया, हमने सबने दुहाई दे दी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ना लठे तमी, ना आंधी रुकी, ना जहाज टूटने के कगार से बच पा रही है। हो सकता है तू तेरे देव देवी देवताओं को बुला, यानी यू कॉल योर गॉड, तुम्हारे तेरा परमेश्वर को बुला। हो सकता है हम सभी के ऊपर हमारी सुधि लेकर हमें बचा दे तेरा परमेश्वर। प्रिय भाई बहन, क्या आज आपको भी कोई बोल रहा है ये बात? कोई संकट में है तो कोई बोल रहा है कि हे भाई, हे बहन, मेरे लिए प्रार्थना कर, ये मेरे तूफान परिस्थिति, हो सकता है कि तेरा परमेश्वर सुने और मुझे यहां से निकाले। वैसे में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सो रहे हैं? हमें भी दुनिया जो है इसी टाइटल से जान रहा है, किस काम से जान रहा है दुनिया? A person is recognized by his work. एक इंसान जो काम करता है उसी से वो पहचाना जाता है। योना यहाँ पे संकट स्थिति में भी, बुरी हालात में भी गहरी नींद सो रहा है, तो माझी उसे ओ स्लीपर कहके पुकारता है, सोने वाले के रूप में पुकारता है। और अंत में सातवां वचन अगर हम देखते हैं तो मनुष्य का ज्ञान देखिए, हमने पुकारा, हमारी देवी देवताओं को पुकारा, कोई लाभ नहीं हुआ। इस व्यक्ति को जगाए, इसको पुकारो, इसको प्रार्थना करो, इसको दुहाई दो करके हमने बोला, इसने किया नहीं। यहाँ पे कोई भी, ये पांच से लेके छठा वचन तक हम कहीं पे भी नहीं देखते हैं कि योना वो कम से कम वो माझी का कम से कम बात सुन के प्रार्थना किया हो ना। बड़े ढीठ व्यक्ति है। तो वहां पे देखिए, ये लोग अपना ज्ञान लगाते हैं, अपना ज्ञान लगाते हुए अपना ज्ञान लगाते हुए क्या किया इन्होंने? छठा वचन पढ़े भाई, नहीं छठा नहीं, सातवां वचन, सातवां, सातवां। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि वह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम की निकली। देखिए यहाँ पे चिट्ठी डाली गई, बाइबल में तीन बार चिट्ठी डाली गई है। कोई बता सकता है कहाँ, कब कब डाली गई है? भाई लोग सो जाना नहीं, बताइए, तीन बार चिट्ठी डाली गई बाइबल में। शाऊल को राजा बनाने, एक बार प्रभु यीशु मसीह का कपड़े बांटने के लिए चिट्ठी डाला गया, और एक एक पेरतो का काम, पेरत को चुनने के लिए। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, ये अब यहाँ पे जो कारण ढूंढने के लिए चिट्ठी डाली गई कि किस कारण ये तूफान आया, किस कारण हमारे मरण में संकट आया, बोल के चिट्ठी डालने के लिए, पहचान
जानने के लिए चिट्ठी डाली गई, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को बांटने के लिए चिट्ठी डाला गया, तीसरा जैसे कि भाई ने कहा, जैसे कि गब्बर भाई ने कहा वो सही है, और तीसरा जो है प्रेरितों का चयन करने के लिए। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि चिट्ठी डालना सही बात है, बाइबल चिट्ठी डालने के बारे में कहीं पे भी समर्थन नहीं देता है, ये मनुष्य का ज्ञान जताता है। जब मनुष्य किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं होता है या किसी चीज को वो निर्धारित नहीं कर पाता है, वैसे हालात में उसके पास कोई और विकल्प नहीं रहता कि चिट्ठी डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को फाड़ना नहीं है, ये वचन को पूरा होना था, फटेगा नहीं उनका वचन और उनका कपड़ा, तो उन्हें चिट्ठी डाल के किसी एक के नाम पे निकला तो वो ले गया होगा सैनिक, अगर सब लोग लेते तो चितड़े मिलते उनको। इसी रीति से प्रेरितों को चुनने के लिए चिट्ठी डाला गया, ताकि सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु परमेश्वर चिट्ठी का समर्थन करते हैं, ये केवल और केवल एक मनुष्य का ज्ञान है। संकटमय परिस्थिति में, अचंभित परिस्थिति में, अज्ञान परिस्थिति में किसी निर्णय को पहुंचने के लिए चिट्ठी डाला जाता है। सो वही चिट्ठी यहाँ पे डाला गया तो आया किस पे? योना के ऊपर आया हुआ है। सो कई बार उसके बाद हम देखते हैं योना को उठा के कहाँ फेंक देते हैं वो लोग, आने वाले इसमें देखेंगे हम कि वे उसको उठा के समुन्द्र के बाहर फेंक देते हैं। सो कई बार जो है प्रभु परमेश्वर का इच्छा जो है वही हमारे लिए एक छड़ी बन जाती है, और ये छड़ी जो है योना के जीवन में, योना को जो है मछली के पेट के अंधकार में ढकेल दिया। प्रभु परमेश्वर का अगर हम इच्छा नहीं मानेंगे तो वही इच्छा हमारे लिए छड़ी बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे पहले कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए छड़ी बन जाए, हमें अपने पहचान लेना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, हमें उनके इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, उनके आदेश में हमें ढलना चाहिए, उनके विरुद्ध हमें कभी नहीं चलना चाहिए। और साथ ही साथ में यही प्रभु की इच्छा जो है कई बड़े बड़े टेस्टमनी यानी गवाहियां ले आता है। इब्रानियों के पत्री पढ़े भाई, इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय 36 से लेके 40 तक पढ़े। इब्रानियों की पत्री कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पढ़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, ओर से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। देखिए यहाँ पे जो प्रभु के दास है, जो प्रेरित है, किस किस तकलीफ से, कैसे कैसे ताड़ना से प्रभु परमेश्वर के लिए वो लोग गुजरे, उनका अनुभव कितना कड़वा अनुभव है, कितना भयानक अनुभव है, ये सब चीजें यहाँ पे 36वां वचन से लेके 40 तक हम देख पाते हैं। किन किन कुछ लोगों को काटा गया, कुछ लोगों को सलीब पे चढ़ा गया, कुछ लोगों की निंदा की गई, कुछ लोगों को तलवार से मारा गया, फिर भी ये सब चीजें किसके लिए? ये किसके लिए कि वो एक बड़े गवाह के रूप में उभर आए, बड़े विजयवंत गवाह के रूप में उभर आए। तो ये ऐसा गवाही के लिए कई बार प्रभु के इच्छा, प्रभु का जो 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 आदेश है वो हमें काम आता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अब हमारा टीम, रंजित भाई का टीम जा रहा है, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है। कई लोग टट्ठे उड़ाते होंगे, कई लोग मजाक करते होंगे, कई लोग ये बोलते होंगे अरे यार तुम तो बड़ा
मजाक करने, बड़े पिकनिक मनाने के लिए गांव गांव भटक रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, तुम्हें पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम्हें पैसा कैसे उड़ा रहे हो, ये ठट्ठा करने वालों को करने दो। प्रभु जो कार्य दिया है मेरे भाइयों, वो आप तहे दिल से, लगे मन से लगे रहो, क्योंकि अंत में एक बड़े गवाह के साथ में आप उभराओगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए एक और व्यक्ति ऐसे तूफानमय परिस्थिति में सोता हुआ हम पाते हैं बाइबल में, वो है प्रभु खुद, प्रभु यीशु मसीह। मरकुस रचित सुसमाचार 4:38 में हम देख पाते हैं, लेकिन वहां पे प्रभु उस तूफानमय परिस्थिति में उस जहाज में था, वो जहाज उनके नियंत्रण में था, वो तूफान उनके नियंत्रण में था। वहां पे उन्हें उठा के, या नहीं तो उनको कोई अलग नाम से पुकारने वाला कोई नहीं था, वहां पे यही पुकारा गया, हे प्रभु इतने तूफान में, इतना आंधी में हम मर रहे हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे जो है ये सोने वाला उठ, हम लोग सब हमारे परमेश्वर को हम बुला रहे हैं, तू क्यों शांति से सो रहा है, ये दोनों में फर्क है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अंत में मेरा एक ही सवाल आज से, क्या हम प्रभु परमेश्वर के योजना में ढलने के लिए तैयार है? दूसरा, आपको मुझको ये माध्यम से जुड़े हुए सभी को दुनिया किस नाम से बुला रही है, दुनिया किस काम से पहचान रही है? होने दे कि प्रभु हमारे, प्रभु के नाम से हमें बुलाया जाए और प्रभु के काम से हमें पहचाना जाए। प्रभु के नाम से हमें बुलाया जाए, प्रभु के काम से हमें बुलाया जाए। आने वाले दिनों में हम अगला कड़ी को देखेंगे। यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। समाप्ति में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम भी योना की तरह जहां बुलाए गए वहां जा रहे हैं, या जहां नहीं बुलाया, जहां नहीं कहा गया वहां दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम भी आरामदेह परिस्थिति में है? क्या प्रभु हमसे कह रहा है कि उठ? क्या हमें भी दुनिया कह रही है कि ओ सोने वाले उठ? होने दे कि हम प्रभु के नाम से पहचाने जाए और प्रभु के